Hello students, now please join Zoom class. This is time for your chemistry class. Basic concept of organic chemistry. ये chapter तुम लोगों का चल रहा है ना, काफी लंबा भी है, लेकिन इसमें सारी fundamental चीजें बताई गई हैं. तो इस चैप्टर के हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये बेस है, क्योंकि ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. और जब तक ये सारी चीज़ें नहीं मालूम होंगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आगे समझ में नहीं आएगी. तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम बताएंगे तुम लोगों को किस तरह से, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, जो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें जब प्रेजेंट होती हैं तो उनको हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, किस तरह से पता लगाते हैं कि इनमें क्या चीज़ें, कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं. तो आज का टॉपिक इसी बारे में है कि डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो चैप्टर का टॉपिक है मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है तो पहले हम उसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं उसका पता लगाते हैं, उसके बाद उनकी कितनी परसेंटेज उस कंपाउंड में है इसका पता लगाने के बाद फिर हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला पता लगाते हैं. एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला तुम लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बताया था उसमें निकालना बताया था, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले पता हो हमें कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं कंपाउंड में और कितने परसेंट प्रेजेंट हैं. तो जब सारी चीज़ें हम पता लगा लेंगे उसके बाद ही हम जा करके एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटेक्ट कर सकते हैं. तो आज का टॉपिक है इस डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनिक केमिस्ट इज द डिटरमिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड इन प्योर स्टेट आइदर फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स और इट इज सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी. In order to establish the correct structure of an organic compound, it is necessary to know precisely its molecular formula. The following steps are involved in the determination of the molecular formula of a compound. The first, detection of elements, any qualitative elements, any ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है. और दूसरा स्टेप है एस्टीमेशन ऑफ एलिमेंट्स नोन एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस. इससे हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता लगाते हैं. दोनों चीज़ें मालूम होने के बाद हम एम्पिरिकल फार्मूला और उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसा कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये दोनों चीज़ें बताई थी. यहाँ भी एक दो एग्जांपल दे करके हम इसको भी बताने की कोशिश करें. अब है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट. तो सबसे जो कॉमन कंपाउंड या जरूरी जरूरी एलिमेंट होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन 2 to 5 डिफरेंट
एलिमेंट द प्रिंसिपल एलिमेंट प्रेजेंट आर कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. लेस कॉमनली प्रेजेंट एलिमेंट्स आर नाइट्रोजन सल्फर एंड हेलोजन. ए फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फास्फोरस एंड मेटल्स में आल्सो बी प्रेजेंट. द ऑर्डर ऑफ एबंडेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज गिवन अहेड. आगे यहाँ पे दिया है क्या क्या चीज कौन कौन से एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं. फर्स्ट है कार्बन, फर्स्ट है कार्बन ऑलवेज प्रेजेंट. हमेशा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो कार्बन प्रेजेंट होगा ही. हाइड्रोजन नियरली ऑलवेज प्रेजेंट. ऑक्सीजन जनरली प्रेजेंट. नाइट्रोजन हेलोजन सल्फर लेस कॉमनली प्रेजेंट एंड फास्फोरस एंड मेटल्स रेयरली प्रेजेंट. तो इतने एलिमेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हो सकते हैं जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होंगे ही, नाइट्रोजन हाइलोजन और सल्फर फास्फोरस एंड मेटल प्रेजेंट हो सकते हैं. तो इनका हमें डिटेक्शन करना होता है. नाउ फर्स्ट डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी हम कैसे पता लगाएंगे कि जो हमें दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है. ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट का यानी प्रैक्टिकल का भी कोर्स है, लैब में तुम लोगों से ये कराया जाएगा. नाउ कार्बन इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड हाइड्रोजन टू इज रेयरली एब्सेंट. हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ दीज टू एलिमेंट कंफर्म बाय द गिवन कॉमन टेस्ट. टेस्ट किस तरह से हम करेंगे, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्राई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्सड विद अबाउट 8 टाइम्स ड्राई क्यूब्रिक ऑक्साइड दैट इज CuO इज फिटेड इन हार्ड ग्लास ट्यूब. अभी आगे दिखाएंगे इसको. द ग्लास ट्यूब इज क्लैम्प्ड एंड फिटेड विद अ डिलीवरी ट्यूब कैरिंग ए बल्ब इन द हॉरिजॉन्टल लेंथ. द एंड ऑफ द डिलीवरी ट्यूब इज इमर्ज इन ए लाइम वाटर. द बल्ब ऑफ द डिलीवरी ट्यूब कंटेन्स एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है. द मिक्सचर इज हीटेड स्ट्रांगली. कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज्ड बाई क्यूप्रिक ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिस्पेक्टिवली. दिस टेस्ट इज नोन एज कॉपर ऑक्साइड टेस्ट. अब इसका एक्सपेरिमेंट ये है. इस तरह से ये ट्यूब लिया गया है और ये जो ट्यूब लगी है ये डिलीवरी ट्यूब कहलाती है. इसमें फिट कर दिया गया है. यहाँ पे लिया है ड्राई क्यूप्रिक ऑक्साइड और ऑर्गेनिक सब्सटेंस इसमें लिया गया है. और यहाँ पे क्या है, ये कॉपर सल्फेट का एनहाइड्रस सॉल्यूशन है जो कि कलरलेस होता है. और इस टेस्ट ट्यूब में लिया गया है लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अब इसको यहाँ पे हम गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. वाटर यहाँ वाटर वेपर्स आती हैं तो ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फाइड जो कलरलेस है जब ये वाटर से मिलता है तो इसका ये ब्लू कलर का हो जाता है. तो इससे क्या पता चलता है कि रिएक्शन में वाटर बन रहा है यानी H2 प्रेजेंट है. और दूसरी तरफ यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है तो वो लाइम वाटर में जाती है और लाइम वाटर को मिल्की कलर का कर देती है जिससे ये पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रही यानी कार्बन प्रेजेंट है. रिएक्शन किस तरह से होगा, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन है उसमें वो क्यूप्रिक ऑक्साइड से रिएक्शन करता है हीट करने पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है. हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो CuO से रिएक्शन करके कॉपर अलग करता है. दोनों ही रिएक्शन कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर बनाएगा. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स द लाइम वाटर मिल्की एंड वाटर वेपर्स टर्न एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ब्लू. ये भी बताया एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं. वाटर वेपर्स कंडेंस ऑन द कूलर पार्ट ऑफ द ट्यूब. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब टेस्ट ट्यूब में जाती है कार्बन डाइऑक्साइड तो वहाँ पे लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है. इससे रिएक्शन करके ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है वाटर और इसका मिल्की कलर हो जाता है जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में. और दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट वाटर वेपर से रिएक्शन करके
कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बनाता है जिसका कलर ब्लू है, जिससे ये पता चलता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो कार्बन है और हाइड्रोजन का डिटेक्शन इस तरह से होता है। अब उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड हैलोजन। These elements are tested in an organic compound by Lesenges test. The organic compound nitrogen, sulfur, or halogen is fused with sodium metal as to convert these elements into ionizable inorganic substance. That is nitrogen into sodium cyanide, sulfur into sodium sulfide and halogen into sodium halide. तो जब हम सोडियम के साथ इसको हीट करते हैं तो जब ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ये सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड बना लेता है। सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाता है, और अगर हेलोजन प्रेजेंट है तो सोडियम से रिएक्शन करके ये सोडियम हाइलाइड यानी ClBr या आई होगा एस की जगह, यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड बनाएगा। ये इस बात पे प्रेजेंट करेगा कि कौन सा एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। नाउ सोडियम मेटल शुड बी इन साइलेंट एक्सेस अदरवाइज इन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन एंड सल्फर टुगेदर सोडियम थायोसाइनाइड इज फॉर्म्ड। With excess of sodium, the thiocyanate form decompose into cyanide and sulfide. Sodium, carbon, nitrogen and sulfur, ये तीनों चीजें अगर organic compound में present है तो sodium thiocyanate बना लेंगे, और अगर excess of sodium है, इसीलिए sodium को excess में लिया जाता है कि sodium का excess है, तो ये फिर इससे रिएक्शन करके सोडियम साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये सोडियम सल्फाइड बना लेगा। द साइनाइड सल्फाइड और हाइलाइट आयंस कैन बी कन्फर्म्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन बाय यूजुअल टेस्ट। द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड लेसिंग ने फिल्ट्रेट। नाउ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लेसिंग ने फिल्ट्रेट। A small piece of sodium of pea size is freshly cut and dried between the folds of filter paper. It is taken in a fusion tube, ignition tube that is, and heated gently. When it melts to a shining globule, the tube is removed from the flame and a small amount of organic compound is added to the sodium. Tube is first gently heated till the reaction ceased and then strongly till it is red hot. It is now plunged indirectly into 10 to 15 ml of distilled water, taken in a porcelain basin and pressed by the tip of the thumb. The contents are heated for 5 minutes and then filtered. The filtrate is known as Lesenges filtrate, that is sodium extract. उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट बना लिया, उसके बाद अब डिटेक्शन शुरू करेंगे एलिमेंट्स का। तो 2 ml ऑफ लेसेंगेस फिल्ट्रेट यानी सोडियम एक्सट्रैक्ट इज टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और एडेड। एज द सॉल्यूशन इज एल्कलाइन of sodium reacts with water to form sodium hydroxide. A green precipitate of ferrous hydroxide appears.
The mixture is boiled for 2 minutes, cooled and acidified with dilute sulfuric acid, dissolves ferrous hydroxide. Appearance of a green or Persian blue color confirms the presence of nitrogen. Alternatively, perchloride and dilute HCl may be added. Now, chemistry of the test. क्या क्या कैसे डाला हमने ये सारी चीजें बता दी. उसके बाद लेसेंगे फिल्टर कंसिस्ट ऑफ सोडियम साइनाइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड. जो कार्बन और म्यूट करो म्यूट करो. मैं हूँ तो मेरा फोटो. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो सोडियम से रिएक्शन करा के करके सोडियम एक्सट्रैक्ट में क्या बना रहा है, सोडियम साइनाइड, जो अभी पहले देखा बताया तुम लोगों को. फिर ये सोडियम वाटर, इसको वाटर के साथ डिजॉल्व करके बॉयल करते हैं तो सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस. When the filtrate is boiled with ferrous sulfate solution, the following reactions takes place. तो जब सोडियम एक्सट्रैक्ट हमने बनाया उसको जब हम बॉयल करते हैं और उसमें फेरस सल्फेट डालते हैं तो ये बनाता है फेरस हाइड्रोक्साइड ग्रीन सोल्यूशन और सोडियम सल्फेट. उसके बाद फेरस हाइड्रोक्साइड सोडियम साइनाइड से, जब ये फेरस सल्फेट से फेरस हाइड्रोक्साइड बना, ये फेरस हाइड्रोक्साइड सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करता है और बनाता है सोडियम फेरो साइनाइड, जिसका कि जो एक IUPAC नाम होता है वो है सोडियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकंड. जनरली इसको कहते हैं सोडियम फेरो साइनाइड और NaOH बनता है. एट द टाइम सम फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड टू फेरिक सल्फेट. This reacts with sodium ferrocyanide to form ferric ferrocyanide or iron third hexacyanoferrate second, which gives Persian blue color or precipitate. अब sodium ferrocyanide ferric sulfate से reaction करके बनाता है ferric ferrocyanide, that is Persian blue or sodium sulfate. In case of फेरिक क्लोराइड इज एडेड द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर्स. फेरिक क्लोराइड अगर इसमें हम डाल देते हैं तो सोडियम फेरोसाइनाइड बनाता है फेरिक फेरोसाइनाइड, यानी पर्सियन ब्लू कलर आता है इसका. यहाँ पे फिर से देख लो एक बार, अभी कुछ किसी ने अभी ज्वाइन किया है तो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं. पहले हम लेसिन में फिल्ट्रेट बनाते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ पी सोडियम ऑफ पी साइज स्पेशली कट एंड ड्राइड बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर. इट इज टेकन इन अ फ्यूजन ट्यूब, दैट इज इग्निशन ट्यूब, एंड हीटेड जेंटली. व्हेन इट मेल्ट्स टू अ शाइनिंग ग्लोब्यूल द ट्यूब रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लेम एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एडेड टू द सोडियम. द tube is first gently heated till the reaction ceases and then strongly till it is red hot. It is now plunged directly into distilled water taken in a porcelain basin and crushed by the tip of the tongue. The contents are heated for 5 minutes and then filtered. The filtrate is known as, let's say, filtrate or sodium extract. Now detection of nitrogen. 2 ml of Lessengne filtrate is taken in a test tube and 2 or 3 drops of freshly prepared ferrous sulfate solution are added. As the solution is alkaline, the sodium reacts with water to form sodium hydroxide. A green precipitate of ferrous hydroxide appears. The mixture is boiled for 2 minutes. Cooled and acidified with dilute sulfuric acid, dissolved ferrous hydroxide. Appearance of green or Persian blue color confirm the presence of nitrogen. Alternatively, ferric chloride and dilute HCl may be added.
नाउ केमिस्ट्री ऑफ द टेस्ट, ये केमिस्ट्री अभी बताया था तुम लोगों को, जो और जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमें बनाया, उसके बाद हम जब उसको वाटर के साथ बॉयल करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और जो तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन था वो सोडियम से रिएक्ट करके सोडियम साइनाइड बनाता है, और सोडियम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। When the filtrate is boiled with ferrous sulfate solution, the following reaction takes place. अभी ये सारी चीजें बता चुके हैं। ferrous sulfate sodium hydroxide से reaction करके ferrous hydroxide बनाता है और sodium sulfate बनाता है। ferrous hydroxide sodium cyanide से reaction करके sodium ferrocyanide और NaOH बनाता है। At the time some ferrous sulfate is converted to ferric sulfate, this reacts with sodium ferrocyanide to form ferric ferrocyanide or iron hexacyanoferrate, which gives Persian blue color or precipitate. तो reaction इस तरह से है, sodium ferrocyanide ferric sulfate से reaction करके बनाता है ferric ferrocyanide Persian blue color. तो ये दोनों रिएक्शन क्या कंफर्म करते हैं कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और इन केस फेरिक क्लोराइड इज एडेड द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफर्स, इस तरह से फेरिक आयरन हेक्सासाइनोफेरेट बन जाता है जब फेरिक क्लोराइड इसमें डाला जाता है, तो ये फेरिक सोडियम फेरोसाइनाइड से रिएक्शन करके आयरन हेक्सोसाइनाइड फेरेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये सारा डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन चूंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको फिर से रिपीट किया। उसके बाद है डिटेक्शन ऑफ सल्फर, लेसिंगनेस टेस्ट से ही करते हैं इसे। सल्फर इज प्रेजेंट इन द सोडियम एक्सट्रैक्ट द फॉर्म ऑफ सोडियम सल्फाइड, जो भी सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया उसी में अगर सल्फर प्रेजेंट है तो वो एस जो है सोडियम से रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बना लेता है। When sulfur and nitrogen both are present, sodium thiocyanide is formed. Both are tested simultaneously with ferric chloride solution. When blood red color station appears, sulfur is tested in the sodium extract in the following manner. तो अगर दोनों present है compound में sulfur भी और नाइट्रोजन भी तो हम बारी बारी दोनों का टेस्ट करते हैं। टू ए लिटिल ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम नाइट्रोक्साइड इज एडेड, ए डीप वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। इसका रिएक्शन ये है, सोडियम सल्फाइड यानी सल्फर सल्फाइड अगर प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो सोडियम के साथ सोडियम सल्फाइड बना लेता है। अब इसमें सोडियम नाइट्रोक्साइड ये रिएजेंट होता है, केमिकल रिएजेंट, फार्मूला इसका है Na2FeNOCN5। इस रिएजेंट को हम इस सोडियम एक्सट्रैक्ट में डालते हैं तो बनता है सोडियम थायोनाइट्रोक्साइड, जो कि वायलेट कलर्ड कॉम्प्लेक्स होता है या पर्पल कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनता है Na4FeCN5NO, तो जो इंडिकेट करता है कि तुम्हारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें सल्फर प्रेजेंट है। सेकंड टेस्ट दो अलग अलग पार्ट में दोनों सोडियम एक्सट्रैक्ट जो हमने बनाया है उसको अलग अलग पार्ट में ले लेंगे। तो पहले पार्ट से हमने ये वाला टेस्ट किया सोडियम नाइट्रोक्साइड डाल के, दूसरे पार्ट में हम तो अनदर टेस्ट पोर्शन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिटिक एसिड एंड लेड एसीटेट आर एडेड, a black precipitate of lead sulfide is formed. दूसरा टेस्ट करने के लिए ये तुम्हारा सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट, उसमें पहले हम एसिटिक एसिड उसके बाद लेड एसीटेट डालेंगे तो ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ EDS मिलेगा और सोडियम एसीटेट, तो इससे हमें पता चलेगा कि इस कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है। थर्ड, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर देन सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट कंटेन्स सोडियम थायोसाइनेट विच गिव्स ब्लड रेड कलर विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड, यानी अलग से नाइट्रोजन का टेस्ट पहले देखा
और सल्फर अगर सिर्फ प्रेजेंट है तो उसका इन दोनों टेस्ट से पता लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों प्रेजेंट हैं, ऐसा लग रहा है कि ये दोनों टेस्ट क्लियर नहीं आते हैं, तो हम दोनों का टेस्ट करते हैं। तब इसमें हम फेरी सोडियम फेरी थायोसाइनाइड, चूँकि बन रहा है सोडियम एक्सट्रैक्ट और जो आर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो मिलके बना रहे हैं, तो फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन डालने पे हमें ब्लड ब्लड रेड कलर दिखाई देता है। यानी जब दोनों प्रेजेंट है तो सोडियम थायोसाइनेट बना हुआ है, फेरिक क्लोराइड इसमें डालेंगे तो FeSCN होल थ्राइस बनेगा, ब्लड रेड कलर आएगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस कंपाउंड में नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट हैं। नाउ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट दैट डज नॉट कंटेन साइनाइड आयन, हेंस इट डज नॉट गिव्स प्रूसियन ब्लू टेस्ट। इफ एक्सेस सोडियम इज प्रेजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट देन सोडियम थायोसाइनाइड इज डिकम्पोज। एक्सेस सोडियम अगर होता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है, तब हम सिर्फ नाइट्रोजन का टेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाओ डिटेक्शन ऑफ हेलोजन। हेलोजन मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन, तो कोई एक ही प्रेजेंट होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, कभी कभी सारे होते हैं, लेकिन यहाँ तुमको अलग अलग टेस्ट देखना है। इसे भी लेसेंगने टेस्ट से करते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन आर प्रेजेंट इन द सोडियम एक्सट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड रिस्पेक्टली। तो जो तुमने सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया उसमें अगर क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई प्रेजेंट है तो वो किस तरह से मिलेंगे हमको, सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम आयोडाइड के रूप में। फॉर द टेस्ट ऑफ हेलोजन इट इज नेसेसरी टू रिमूव सोडियम साइनाइड एंड सोडियम सल्फाइड फ्रॉम द सोडियम एक्सट्रैक्ट इफ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट। तो नाइट्रोजन और सल्फर का टेस्ट हम पहले करते हैं, तो अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो पहले अब हेलोजन का टेस्ट करने के लिए हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। दिस इज डन बाय द बॉइलिंग द सोडियम एक्सट्रैक्ट विद कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। तो इनको रिमूव करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट को HNO3 के साथ बॉयल करेंगे, जिससे कि जो इसमें दोबारा CN प्रेजेंट है वो HCN बना के ऐसे गैस अलग हो जाएगा, सोडियम नाइट्राइड मिलेगा, और सोडियम सल्फाइड अगर प्रेजेंट है HNO3 के साथ गर्म करने पे तो H2S के फॉर्म में ये रिमूव हो जाएगा और सोडियम नाइट्राइड बचेगा। नाउ इफ सोडियम साइनाइड एंड Na2 आर नॉट डिकम्पोज वाइट और ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ AgCN एंड Ag2S रिस्पेक्टिवली आर फॉर्म विद सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। तो इसको हमें जब तक बॉयल करना है जब तक पूरी तरह से CN और H2S बाहर ना हो जाए, अगर नहीं होगा तो जब हम आगे का टेस्ट करेंगे तो हमें इस तरह का वाइट या ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। अब आते हैं हेलोजन के टेस्ट पे। टू द सोडियम एक्सट्रैक्ट फ्री फ्रॉम NaCN एंड Na2S, यानी बॉयल करने के बाद का जो सोडियम एक्सट्रैक्ट है उसमें हम क्या डालेंगे, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड आफ्टर एसिडिफाइड इट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो पहले जब इसको रिमूव करने के बाद जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हमें मिला उसको एसिडिफाई करेंगे नाइट्रिक एसिड से, उसके बाद उसमें सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालेंगे। अपीयरेंस ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट और पेल येलो प्रेसिपिटेट और ए येलो प्रेसिपिटेट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अब जब हम सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे इसको एसिडिफाइड विद HNO3 करके, तब अगर Cl प्रेजेंट है तो ये वाइट प्रेसिपिटेट AgCl का बनाएगा और NaNO3 वो सॉल्यूशन में चला जाएगा, और इस प्रेसिपिटेट को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। द प्रेसिपिटेट ऑफ AgCl डिसॉल्व्स इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर Br प्रेजेंट है तो ये NaBr के फॉर्म में होगा,
सिल्वर नाइट्रेट डालने पे पेल येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, और जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने पे ये डिजॉल्व होगा, धीरे धीरे डिजॉल्व होगा, यानी स्पेरिंगली सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इफ आयोडीन इज प्रेजेंट इट फॉर्म्स विद AgNO3 AgI येलो प्रेसिपिटेट. और ये इनसॉल्युबल होगा कहाँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. नाउ क्लोरीन वाटर टेस्ट फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये दूसरा टेस्ट है. पहले टेस्ट ये आसान है, आराम से आ जाता है, लेकिन फिर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, जैसे आयोडीन और ब्रोमीन में डिफरेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पेल येलो कलर होता है और इसका जो है येलो कलर होता है, थोड़ा सा डार्क लाइट का डिफरेंस होता है. तो हम ये दूसरा टेस्ट कर सकते हैं, क्लोरीन वाटर टेस्ट फॉर ब्रोमीन एंड आयोडीन. From the color of sodium bromide and AgBr, silver bromide and silver iodide, it is difficult to judge whether the organic compound contains bromine or iodine. To confirm the presence of bromine or iodine, the above test is supplemented by the chlorine water test. A small portion of sodium extract is acidified with dilute HNO3RH2SO4. And then chloroform or carbon tetrachloride is added. Excess of chlorine water is added. If chloroform layer or carbon tetrachloride layer becomes yellow or brown, bromine is present, and if violet, iodine is present. Chlorine है, तो ये orange color. Chlorine water जब हम डालेंगे, bromine present है अगर organic compound में, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऑरेंज कर देगा ये, ठीक है. ब्रोमीन डिजॉल्व्स इन क्लोरोफॉर्म और HCl यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड गिविंग येलो और ब्राउन कलर. यहाँ देखो आयोडीन प्रेजेंट है, तो ये आयोडीन टर्स कार्बन टेट्राक्लोराइड लेयर वायलेट. आयोडीन डिजॉल्व्स इन कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्लोरोफॉर्म गिविंग वायलेट कलर layer. Now detection of phosphorus. The organic compounds is fused with the fusion mixture sodium carbonate and potassium nitrite. And जो इसके लिए organic compound है उसको हम sodium carbonate या sodium nitrate के साथ fuse करते हैं, यानी रेड गर्म करते हैं. The phosphorus present in the organic compound is converted into sodium phosphate. The fused products is extracted with water and the aqueous solution obtained is boiled. Boiled with concentrated nitric acid and ammonium molybdate. ये दोनों चीजें डालते हैं. ये येलो प्रेसिपिटेट और कलरेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फास्फोरस. द येलो प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम मोलिब्डेट. तो परऑक्साइड से नहीं लैब में, बल्कि हम अगर करेंगे टेस्ट तो सोडियम कार्बोनेट या सोडियम नाइट्रेट से. तो सोडियम कार्बोनेट के साथ जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को गर्म करते हैं, तो उसमें जो फास्फोरस प्रेजेंट है वो सोडियम फॉस्फेट में बदल जाता है, और नाइट्रिक एसिड के साथ ये फास्फोरिक एसिड में बदल जाता है, और फॉस्फोरिक एसिड अमोनियम मोलिब्डेट. उसके बाद जब हम अमोनियम मोलिब्डेट और HNO3 के साथ इसको गर्म करते हैं, तो ये रिएक्शन होता है फॉस्फोरिक एसिड अमोनियम मोलिब्डेट प्लस HNO3 का, और ये बनता है अमोनियम फॉस्फो मोलिब्डेट, जिसका क्या कलर होता है, येलो प्रेसिपिटेट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड. तो दिस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ लास्ट एलिमेंट इज द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन. देर इज नो सेटिस्फैक्टरी क्वालिटेटिव मेथड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ऑक्सीजन. हाउ वेयर इट्स प्रेजेंस कैन बी इनफर्ड डायरेक्टली. इफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड अलोंग इन ए ड्राई टेस्ट ट्यूब In presence of nitrogen, the formation of water drops on the cooler part of the tube may indicate the presence of oxygen. And the second, the presence of oxygen can be inferred by the testing the presence of functional group known to contain oxygen, that is hydroxyl group, CHO group,
कार्बोक्सिलिक ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, जब इन ग्रुप्स का हम टेस्ट करके ये पता लगा सकते हैं कि कंपाउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये तुम्हारा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट सारे बारी बारी से बताए। नाइट्रोजन का मैंने रिपीट भी किया, उसके बाद फिर से तुम लोग देख करके इसको पढ़ना, क्योंकि ये तुम्हारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसको टॉपिक है, इसको नोट करके रखना, क्योंकि ये जब तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे सेकंड ईयर में तो ये तुम लोगों को कराया जाएगा। तो आज का क्लास अब खत्म होता है। कल के क्लास में हम किस तरह से परसेंटेज निकालते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फास्फोरस या हैलोजन प्रेजेंट होते हैं, तो कल के क्लास में हम इस पे डिस्कस करेंगे।